पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी का सोमवार सुबह निधन। वे 90 साल के थे। उन्हें किडनी की बीमारी के बाद 9 अगस्त को कोलकाता के अस्पताल में भर्ती किया गया था। मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा, रक्षाबंधन आ रहा है, ऐसे में राखी और गणेश चतुर्थी को देखते हुए हमने सभी तरह की मूर्तियों, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूमों के सामान को जीएसटी से बाहर कर दिया, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। राजस्थान के जयपुर से विधानसभा चुनाव अभियान का आगाज करने के बाद आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आगामी 2019 लोकसभा चुनाव अभियान का बिगुल फूकेंगे। राहुल गांधी अपनी 2 दिवसीय दक्षिण भारत यात्रा के दौरान कर्नाटक के बीदर में एक किसान रैली को संबोधित करने के साथ तेलंगाना में भी कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में बटमालू के देवरानियों में रविवार को मुठभेड़ में 2 आतंकी पकड़े गए। आतंकियों की ओर से की गई फायरिंग में विशेष अभियान दल का एक कांस्टेबल शहीद हो गया, वहीं सुरक्षा बलों के 5 जवान जख्मी हो गए। बालिका गृह में बच्चियों के यौन शोषण मामले में मुख्य आरोपी ब्रिजेश ठाकुर को जेल अस्पताल से दोबारा बैरक में भेज दिया गया। जिला प्रशासन ने शनिवार को जेल में छापा मारा। उसे ब्रिजेश के पास 3 पर्चियां मिली। इनमें से 2 पर्चियों पर 50 से ज्यादा हाई प्रोफाइल लोगों के नंबर मिले। तीसरी पर्ची पर अलग अलग बैंक खातों में मिले 2.5 करोड़ रुपए की निकासी का हिसाब है। केरल में बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। पिछले 40 साल में यहां सबसे भीषण बाढ़ देखी गई। 8 जिले बाढ़ की चपेट में। सेना, नेवी से लेकर एनडीआरएफ राहत कार्य में लगे हुए हैं। अब तक 39 की मौत और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। केरल में सरकार को 8,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। सेना ने सियाचिन और डोकलाम में तैनात जवानों के लिए स्पेशल किट देश में बनाए जाने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। 20,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात जवानों की स्पेशल किट देश में ही बनेगी। 300 करोड़ रुपए बचेंगे। केरल के बाद अब तमिलनाडु में भी बाढ़ आने की आशंका को लेकर प्रशासन सचेत हो गया है। मैट्टूर का स्टेनली जलाशय 120 फुट की अपनी पूरी क्षमता भर चुका है, जिसके बाद राज्य के 12 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। मैरीकॉम समेत कॉमनवेल्थ के 10 गोल्ड मेडलिस्ट एशियाड में नहीं खेलेंगे। भारतीय दल से 20 पदक विजेता बाहर। स्टार बॉक्सर मैरीकॉम को उनका पसंदीदा भार वर्ग नहीं मिला, इसलिए उन्होंने नाम वापस ले लिया। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत को पारी और 159 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद कप्तान विराट कोहली ने कहा, हम जिस तरह से खेले उस पर मैं फख्र नहीं कर सकता। पिछले 5 टेस्ट मैचों में पहली बार हमने पूरी तरह से शिकस्त खाई। इंग्लैंड ने जिस तरह से मैच खेला उनका जीतना स्वाभाविक था। हमारा खेल हार के लायक ही था।